जेई मेंस 2023 पोस्टपोन की रिगार्डिंग बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं भैया, एग्जामिनेशन पोस्टपोन होंगे कि नहीं होंगे। तो इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी कई सारे ट्विटर पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं, कई सारे ट्वीट ऑलरेडी चल रहे हैं। तो आप भी जाकर ट्वीट कीजिए, लगातार ट्वीट कीजिए और NTA की साइट पे उनको मेल कीजिए लगातार कि सर पोस्टपोन एग्जामिनेशन होने की एडवांस के लिए सिर्फ 2 महीने का गैप मिल रहा है। तो ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ है कि सिर्फ जेई मेन्स और 2 महीने के बाद जेई एडवांस होता है, तो ऐसा कभी नहीं हुआ है। एंड साथ ही साथ 1 जनवरी से CBSE बोर्ड के प्रैक्टिकल्स स्टार्ट हो रहे हैं, साथ ही 15 फेब से आपके एग्जामिनेशन शुरू हो रहे हैं। तो बच्चे ना ही जेई मेन्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो पाएंगे, ना ही जेई मेन्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो पाएंगे, ना ही उसके लिए क्या कहते हैं ना ही अपने बोर्ड्स एग्जामिनेशन के अच्छे से प्रिपेयर हो पाएंगे। तो मेरा भी यही मानना है कि एग्ज़ामिनेशन को पोस्टपोन होना चाहिए। एंड जो सेकंड थिंग जो 75% क्राइटेरिया है वो हटना चाहिए, 75% क्राइटेरिया ज़रूर हटना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ होती तो आपको पहले इन्फॉर्म करना चाहिए जिससे बच्चे अपना मेंटेन रखें। लेकिन मेरा मानना है कि ये हटना चाहिए, क्योंकि ड्रॉपर्स वाले बच्चों के लिए तो ज़रूर हटना चाहिए। देखते हैं क्या होता है, मिलते हैं अगली वीडियोस में, तब तक के लिए स्टे सेफ, बाय बाय। पढ़ते रहिए, 24 जनवरी को मान करके अपनी पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियोस में, कोई अपडेट आती है तो मैं आपको सबसे पहले अपडेट करूँगा। मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। बाय बाय।